वहीं सीतापुर में लॉकडाउन के चलते मंगलवार को बंद दुकानों के 54वें दिन ताले खुले। ताले खुलते ही उनके चेहरों पर खुशी नजर आई। बाजार खोलने को लेकर डीएम अखिलेश तिवारी के द्वारा दुकानों को खोलकर साफ सफाई करने के स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे, जिसके चलते 11 बजे सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खोला और साफ सफाई की। दुकान खुलने के बाद दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि साड़ी के शोरूम मालिक का कहना है कि दुकानों को खोलने को लेकर डीएम सर के साथ बैठक हुई, जिसमें कई दिशा निर्देश दिए गए। हम सब उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए अपनी अपनी दुकानों को खोला जाएगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा और दुकानों पर ज़रूरत के मुताबिक ही स्टाफ रखा जाएगा। आज पहला दिन था जो नया लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसको लेकर तो भ्रम था लोगों में कि दुकानें किस समय से खुलेंगी। अभी जो किराना की आवश्यक वस्तुओं की दुकानें थी वो 7 बजे से खुल जाती थी, तो आज जिन लोगों का भ्रम था तो उसी लिए वहाँ पर सबको बताया गया कि जो भी दुकानें हैं वो 11 बजे से 5 बजे के मध्य ही खुलेंगी, सिर्फ जो मेडिकल स्टोर है वो 9 बजे से खुलेंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन था इसीलिए इनको सबको बताया गया है, दुकानें बंद करवाई गई थी, 11 बजे से 5 बजे के मध्य दुकानें खुली जाएंगी। आज सिर्फ साफ सफाई का दिशा निर्देश है कि पूरे दिन खुली रहेंगी दुकान 5 बजे तक? आज 11 से 5 तक साफ सफाई कर सकते हैं सभी लोग, जितनी भी दुकानें हैं सभी खोल के अपनी साफ सफाई करेंगे। कल से जो रोस्टर बनेगा उसके हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी।